नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राज्य सरकार ने सभी मंदिरों और मठों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य करते हुए कहा है कि सभी 38 जिलों के प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंदिरों और मठों के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। इस तरह की अटकलें हैं कि सभी मंदिर और मठ अब टैक्स के दायरे में लाए जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति अभी साफ नहीं की है। बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने इस मुद्दे पर कहा है कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अपना पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशना पड़ेगा। कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों और न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिनों के भीतर BSRTC की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। प्रमोद कुमार ने कहा, बिहार देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने इस तरह की कवायद शुरू की है। हम आपको बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की वेबसाइट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जुलाई के बाद करेंगे और तब तक सभी मंदिरों और मठों का पंजीकरण कार्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के कानून मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार का इस बारे में कहना है कि राज्य में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। मंत्री ने कहा कि मंदिर की संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि पुजारियों द्वारा संपत्ति की खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ पाई गई हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 35 जिलों में 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास लगभग 4321.64 एकड़ जमीन है। प्रमोद कुमार ने कहा, सरकार जल्द ही 2499 पंजीकृत मंदिरों और मठों की बाड़बंदी की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों और मठों के पास 18,500 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि भूखंड को अतिक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार वैशाली जिले में सबसे ज़्यादा 438 अपंजीकृत मंदिर और मठ मौजूद हैं, जबकि औरंगाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई अपंजीकृत मंदिर नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के धार्मिक न्यास बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई मंदिर किसी व्यक्ति के घर की चारदीवारी के अंदर स्थित है और उसमें उसी घर या परिवार के लोग पूजा करते हैं तो उसको निजी या व्यक्तिगत माना जाएगा। कोई मंदिर किसी घर या मकान की चारदीवारी के बाहर है और उसमें एक से अधिक परिवार पूजा करते हैं और चढ़ावा देते हैं तो उसे सार्वजनिक मंदिर माना जाएगा। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि पंजीयन के उपरांत मंदिरों को कुल आय का 4% टैक्स देना होगा। हालांकि अभी इस बात की सिर्फ अटकलें ही हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी मंदिरों की आय पर टैक्स लगाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है, मगर मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगने की अटकलों के बीच तमाम लोग सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वैसे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से साल 1950 से ही मंदिरों से कर वसूले जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से सभी छोटे बड़े मंदिरों और मठों के पंजीकरण का अभियान चलाया गया है उसको देखते हुए लोगों के मन में शंकाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।